हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्किन कॉम्प्लेक्शन के बारे में, चेहरे के रंग के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, स्किन का कलर कई कारणों से चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं, इस कारण से स्किन का कलर चेंज हो जाता है। कई लोग को धूप के कारण बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो जाता है। मैं आपको जो भी मेडिसिन बताऊंगी, चाहे मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट हो, दोनों की स्किन में ये मेडिसिन काम करेगी। तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी स्किन में पिंपल निकलते हैं, ऑटोमेटिक कुछ महीने तक रहते हैं या कुछ दिनों तक रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी रहती है। अभी ठीक हुआ, उसमें पस निकला, पस निकलने के बाद पूरी तरह से वो ठीक हो गया और जो पिंपल हुआ था आपको, वो पिंपल पूरी तरह से दाग छोड़ गया। अगर ऐसी सिचुएशन है, पिंपल आपको बार बार हो जाता है और कई सालों से हो रहा है और आप चाहे कितनी मेडिसिन ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है, आर्सेनिक एल्बम लेना है, 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में आपको दो बार लेना है, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप लीजिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद नाइट में आप इसे 2 ड्रॉप लीजिए, कंटिन्यू रखना है। साथ में आपको मदर टिंचर लेना है, बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर। इस पे मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हूँ और कई वीडियो में भी बताई हूँ कि बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर का क्या बेनिफिट है। तो आप इसे लेंगे, जो पानी होगा हल्का गुनगुना होगा, आधे कप पानी में 20 बूंद डालिए, अच्छे से मिक्स करिए और पी लीजिए। साथ में इसे आपको लगाना भी है, इसे आप गुलाब जल के साथ लगा सकते हैं, ओरिजिनल भी अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप धूप वाले एरिया में मत जाइएगा और डस्ट वाले एरिया में मत जाइएगा इस मदर टिंचर को लगाने के बाद। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स और नेक्स्ट मेडिसिन की। पेशेंट किसी भी ठंडी एरिया में जाता है, जैसे मौसम चेंज होता है या फिर किसी ठंडी एरिया में जाता है और उसको एकदम से उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल निकलने लगते हैं और ये पिंपल पक जाते हैं और गड्ढा दे जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है आपको, इस कंडीशन में आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है, काली कार्ब लेनी है, 30 पोटेंसी में लेनी है, दिन में आपको कम से कम 3 बार इसको रिपीट करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट को 2 ड्रॉप लेना है, बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर को भी आपको साथ में लेना है, बॉलिंग आप इसे 20 बूंद लीजिए आधे कप पानी में और नाइट में भी आप खाना खाने के 1 घंटे बाद 20 बूंद लीजिए आधे कप पानी। फेस में गड्ढे की प्रॉब्लम है और कई सालों से बनी हुई है, तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। एकदम से कोई भी डिसीज पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, उसको ठीक होने के लिए टाइम लगता है। इसी तरह आपकी स्किन में बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं तो उसको ठीक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप इस मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन और नेक्स्ट सिम्टम्स के। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी स्किन का कलर एकदम से चेंज हो जाता है, कहीं दूसरे प्लेस में गए तो उनका कलर एकदम डल हो जाएगा, वहाँ का पानी बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, साथ में स्किन बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा आपको। सूर्य की रोशनी में जाते हैं, उसका रेडिएशन होता है जिसके कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आता है, या फिर किसी भी कारण आपकी स्किन का कलर मटमीला सा नज़र आ रहा है और ये प्रॉब्लम आपको कई सालों से बनी हुई है। आप बहुत सारी क्रीम अप्लाई कर चुके हैं लेकिन आपकी स्किन फेयर नहीं दिख रही है, या फिर आपकी स्किन जैसे पहले दिखती थी वैसे नहीं दिख रही, तो इस कंडीशन में आपको लेना है नेट्रम म्यूर लेना है, 30 पोटेंसी में लेना है, इसको दिन में आपको 3 बार लेना है, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट को 2 ड्रॉप लेना है। आपकी स्किन को फेयर बनाने के लिए बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर आप ले सकते हैं, ये भी आपको आधे कप पानी में 1 टीस्पून डालना है, मिक्स करना और पी लेना है, मॉर्निंग और नाइट में लेना है। अब मैंने आपको ये 3 मेडिसिन बताई हूँ आपके चेहरे के रंग के लिए। आपके चेहरे का रंग किसी भी कारण से खराब हो सकता है, चाहे वो एक्ने पिंपल के कारण हो या फिर आपके फेस में बहुत सारे स्कार्स पड़ गए हों या फिर आपकी स्किन में मेलास्मा की प्रॉब्लम हो गई हो या फिर एटमॉस्फेयर के कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो। बहुत सारे रीजंस होते हैं आपकी स्किन के लिए कि आपके स्किन का कलर चेंज हो गया है। तो ये मैंने आपको कुछ जनरल मेडिसिन बताई हूँ और कुछ सिम्टम्स बताए, इनमें से कोई भी मेडिसिन का सिम्टम्स मैच करता है तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।